26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग रविशंकर स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे। ध्वजारोहण कर उन्होंने परेड की सलामी ली, साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। जयकार करे के दिन हवय, आज जम्मो रहोइया मन जम्मो मनखे मन के घलोक जय जयकार करे के दिन है। काबर के गणतंत्र के विचार में जम्मो मनखे के अधिकार समाये हवय। यही हमार संविधान के खूबसूरती है, जेखर बर हमार पुरखा मन शहादत दिन और अंग्रेज मन ल खदेड़ के हमन ला आजादी दिलाई। ओखर पाछू ऐसन संविधान बनाए जेला खुद हम भारत के लोग मन ह खुद ल अर्पित करे हन, यानी के हर मनखे के संविधान है, जेखर सेती मतदाता मन के वोट ले सरकार बनते। ऐसे संविधान और लोकतंत्र ला बचाए के जिम्मेदारी अब हमार और अवैया पीढ़ी के हवाय। मंत्री रविंद्र चौबे ने मार्च पास्ट कर सभी का अभिवादन लिया व शहीदों के परिवार से मुलाकात कर उन्हें शॉल व श्रीफल भेंट किया। साथ ही पंडवानी गायिका उषा बारले को पद्मश्री सम्मान गौरवशाली उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन के द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के हाथों दिया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा यहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर शासकीय विभाग के द्वारा सजाई गई झांकियों को लोगों के बीच लाया गया। इस अवसर पर दुर्ग रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा, एसपी अभिषेक पल्लव, संभाग आयुक्त महादेव कावरे, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।